ग्यारह देखिए, कह रहा है वक्र दिया है वाई बराबर में एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर है। अच्छा, इस रेखा के समांतर जो है उस अभिलंबों के हमें समीकरण ज्ञात करने हैं, ठीक है। उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x² ध्यान से देखो, 3x² और प्लस में 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर बात करें अभिलंब की, ये तो है स्पर्श रेखा का ना, तो अभिलंब के समीकरण की बात करें, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का ढाल या प्रवणता की बात करें तो -1/dy/dx होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -1/3x² और प्लस में 2, ये लिख सकता हूँ ना। और चूंकि रेखा एक दिया है, रेखा का समीकरण एक दिया हुआ है x प्लस में 14y प्लस का 4 = 0, तो एक काम करते हैं, इसको इसको यहाँ रखे, इन दोनों को उधर भेजते हैं, 14y बराबर में माइनस का x माइनस में 4, ये 14 जाएगा भाग में, तो y बराबर में हो जाएगा -1/14x और माइनस का 4/14, ठीक है। तो यहाँ से आपका ढाल इसका कितना गया, -1/14। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इतना के समांतर है, तो अभिलंब अभिलंब का ढाल यह रहा और अभिलंब का ढाल यह भी है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि कह रहा है कि अभिलंब अभिलंब जो है अभिलंब रेखा 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 एक्स प्लस 14y + 4 = 0 के समांतर है, तो दोनों अभिलंब के ढाल ही हो जाएंगे, क्योंकि देखो अभिलंब का ढाल जो होगा समांतर होने के कारण इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दो, -1/3x² + 2 = -1/14, माइनस से माइनस हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² + 2 = 14, 4 जाकर उधर घट जाएगा, 3x² = 12, 3 जाएगा भाग में तो x² बराबर में आ जाएगा 4, स्क्वायर जाएगा रूट में, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो x का मान प्लस माइनस 2 आ गया, बिंदु ये तो आ गई, एक बिंदु यहाँ पे x का मान आ गया, अभी y का भी मान निकालना होगा। तो हमारे पास वक्र कितना दिया है, y बराबर में एक्स क्यूब प्लस का 2x + 6, x³ + 2x + 6, चूंकि y बराबर में दिया है x³ + 2x + 6, x³ + 2x + 6, तो ये आपके वक्र का समीकरण है, वक्र का समीकरण ये दिया हुआ है, ठीक है, वक्र का समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ x बराबर पहले 2 पर देखते हैं, y बराबर में हो जाएगा 2 का क्यूब + 2 × 2 + 6, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये 4 और 6, और 6 × 4 = 10, और 10 × 8 = 18, y का मान 18 आ गया। x बराबर -2 पर भी देख लेते हैं, y बराबर हो जाएगा -2 का क्यूब 2 × -2 और प्लस का 6, -8 − 4 और प्लस का 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा, 8 × 4 = 12, और माइनस का 12 और प्लस का 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमारे पास बिंदु निकल गई, अभीष्ट बिंदु कौन कौन से निकल गई, अभीष्ट बिंदु है कौन कौन सी आ गई, तो एक आ गई 2, 18 और तथा दूसरी आ गई -2, -6, तो 2 को बिंदु आ गई। और ढाल जो है ना, यहाँ ढाल अभिलंब का ही ढाल कितना दिया है, -1/14, देख लो ऊपर अभिलंब का ढाल दिया है -1/14, ढाल है ना -1/14, है ना -1/14 है, क्योंकि इसी रेखा के ना समांतर यह है अभिलंब, तो दोनों का तो ढाल बराबर ही होगा, चलिए -1/14 है, तो एक एक करके निकालते हैं। अभिलंब का समीकरण जो बिंदु 2,18 से गुजरे, ठीक है, 2,18 से गुजरे, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, y − 18 = ढाल, ये देखो ये जो ढाल है ना ये सीधे अभिलंब का है, और इसके पहले जो आप फॉर्मूला में लिखते थे -1/dy/dx, तो इस पूरे का वैल्यू ही यही है, यह जो -1/14 लिख रहा है ये -1/dy/dx का ही वैल्यू है, हम लोग ऊपर निकाल देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, सीधे -1/14 रख देंगे, ये -1/dy/dx रखने की जरूरत नहीं है, -1/14 x − x1, ठीक है। चलिए अब देखिए 14 जाके इसमें गुना करेगा तो 14y हो जाएगा,
14 वाई और माइनस 14 में 18 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 14 में 18 से गुना करिए कितना आएगा, तो 18 चौक 72, 2 7, 18 एकम 18 और कितना था जी आपका 7, तो आपका 25 आ जाएगा 252, और इसमें गुना करो माइनस का x और प्लस का 2। चलिए सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो x प्लस में 14y और इसको भी धलाते हैं तो माइनस का 254 हो जाएगा और बराबर में 0। अच्छा दूसरा वाला अभिलंब का समीकरण जो बिंदु क्या था -2, -6 से गुजरे उसका समीकरण क्या होगा, तो हो जाएगा y -6 बराबर ढाल है -1/14 x -2, ठीक है। चलिए अगले स्टेप पे देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ y+6 हो जाएगा -1/14 x+2 हो जाएगा, 14 लाके गुना करो 14y और प्लस में 114, 14 6 84 ना हो जाएगा 84, ठीक है, और बराबर में माइनस का x माइनस का 2। इन सबको एक तरफ करते हैं, x+14y और प्लस 86 हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो गया, तो ये दोनों रेखा का समीकरण अभिलंब का समीकरण आ गया। अगला